हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरी मॉम्स व्लॉग। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए नवरात्रों के लिए एक ऐसी रेसिपी जो आप लोगों ने आज से पहले इस तरीके से कभी नहीं बनाई होगी फ्रेंड। और ये कुछ हमने आलू ले लिए हैं। आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। आप इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं ताकि इनकी गुलटियाँ बिल्कुल ना रहें। और इस आलू में हम डालेंगे कुछ, ये सिंघाड़े का आटा है, आप लोगों के पास कूटू का आटा हो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप साबुदाने को भी पीस के डाल सकते हैं। हम लोग साबुदाना अवॉइड करते हैं, व्रत में नहीं खाते नवरात्रों में, तो इसी तरीके से इसको यूज करें। और ये देखिए कुछ इस तरीके से डो बन के तैयार हो गया है। और अब हमने इसको एक साइड रख दिया है, जब तक हम इसके लिए कुछ इसके साथ खाने के लिए सब्जी बना लेते हैं। और हमने इसमें मूंगफली के ऑयल का यूज किया है, आप लोग देसी घी खाते हो तो देसी घी यूज कीजिए। इसमें थोड़ा जीरा और ये जो लाल मिर्च देख रहे हैं ये घर की सुखाई हुई हरी मिर्च है, ये हमने इस तरीके से डाल के इसमें थोड़े से आलू डाल दिए हैं। बाकी आलू हम कौर मतलब जीरा आलू सूखा बनाएंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, इस तरीके से इनको उलट पुलट करके मिला लेना। और ये दो टमाटर हैं, दो से तीन टमाटर हैं, इसको प्यूरी बना के डाल दिया। और इसमें थोड़ी सी ये पिसी जो अमचूर पाउडर बोला जाता है वो जाएगा फ्रेंड। इस तरीके से आप बनाएंगे, ये बहुत अच्छी लगती है खट्टी खट्टी खाने में। जो ये बनाएंगे हम उसके साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड। हम लोग को ये बहुत ही पसंद आती है। जो लोग हम लोगों के व्रत नहीं रखते हैं वो भी ये बहुत ही मतलब मन से खाते हैं, मांग मांग के खाते हैं। और ये देखिए कुछ ढक के पानी डाल के 5 मिनट तक बस इसको पका लेना। ये देखिए इस तरीके से बन के तैयार हो गई है। मेरे पास धनिया नहीं थी, आप लोग इसमें धनिया ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो हमने डो लगा के रखा था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जब तक सब्जी बनाई तब तक ये ढीला हो चुका था, इसमें पानी छूट चुका था आलू का, तो ये थोड़े छोटे ही रह गए। ये पराठे जैसे मुझे बनाने थे तो इसका शेप थोड़ा छोटा रह गया। और ये अब टिक्की जैसे हो गए हैं ये पराठे, इनको टिक्कियाँ बोल सकते हैं, पराठे बोल सकते हैं, दोनों तरीके से ये काम करेंगे फ्रेंड। और ये देखिए इस तरीके से हमने सारे बना लिए हैं फ्रेंड। आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पास में बेल आइकन है, आप जो लोग नए हैं वो लोग प्रेस कर दीजिएगा और फ्रेंड में और अपने रिलेटिव में भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसकी रेसिपी मिल सके। और इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल लगता है, देखिए ये सारे हमने बना के एक ही तवे पे एक ही बार में बन के तैयार हो गए। और ये उन जो हमने सब्जी बनाई थी उसके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में फ्रेंड। ये उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से ऐसे बस सेक लेना है। और ये देखिए हमारी पूरी थाली भी बन के तैयार हो गई है। आलू भी हमने बना लिए थे, आलू मैंने नहीं बनाते हुए दिखाया। और ये को थोड़ा सा दही है, हम लोग तो खाने जा रहे हैं, आप लोग भी बनाइए खाइए। वीडियो फुल वॉच करने के लिए रखिए।